बीते कुछ दिनों से सोयाबीन के रेट में तेजी देखने को मिल रही है। बीते वर्ष सोयाबीन के रेट 10,000 तक पहुंचे थे, पुनः एक बार यह तेजी देखने को मिल रही है, किंतु यह रेट आयात पर निर्भर है, ऐसी जानकारी कृषि विशेषज्ञों ने दी है। विदेशों से सोयाबीन ढेप आयात होने पर देश के मार्केट में मंदी का दौर आ सकता है। बीते वर्ष खोड़ इल्ली व बारिश के कारण सोयाबीन फसल का भारी नुकसान हुआ था। देश में सोयाबीन का उत्पादन कम होने के कारण मार्केट में तेजी आई थी, सोयाबीन के रेट ने कीर्तिमान स्थापित किया था। इस वर्ष भी सोयाबीन को अच्छे दाम मिलने की शुरू से अपेक्षा थी, परंतु मार्केट में सोयाबीन आने के पूर्व ही दामों में गिरावट का दौर शुरू हुआ था, मगर बीते एक महीने से सोयाबीन के दामों में निरंतर तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को महाराष्ट्र के विदर्भ के मार्केट में सोयाबीन के दाम 7,200 रुपए तक पहुंचे थे। तेजी का यह दौर और चल सकता है, ऐसी जानकारी कृषि विशेषज्ञ द्वारा दी जा रही है। प्रति वर्ष सरकार द्वारा सोयाबीन ढेप विदेशों से खरीदने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष अनुमति देने में विलंब होने के कारण देश के मार्केट में तेजी का दौर शुरू हुआ है। कुछ दिनों पूर्व देश में ढेप के भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल थे, मगर अब 6,000 तक पहुंच चुके हैं। विदेशों से सोयाबीन की ढेप देश में आई तो सोयाबीन के दामों में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। वर्तमान में देश में विश्व के तुलना में सोयाबीन को सबसे अधिक रेट मिल रहे हैं। ऐसा ही बीते वर्ष हुआ था। देश में सोयाबीन का उत्पादन कम होने तथा उसका भंडारण होने के कारण रेट में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार विश्व बाजार में तेजी के कारण देश में कपास के रेट बढ़े हुए हैं, परंतु सोयाबीन के मामले में उससे उल्टा है। विदेशों से सोयाबीन के ढेप देश में पहुंचने पर सोयाबीन के रेट में मंदी का दौर आ सकता है। बीते वर्ष 17 से 18 लाख टन सोयाबीन की ढेप निर्यात हुई थी, जिससे दामों में उछाल आया था। देश में आवश्यकता से कम उत्पादन तथा ढेप आयात नहीं होने के कारण सोयाबीन में विश्व के रेट की तुलना में तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।